आज हम कोड ब्लॉक इंस्टॉल करना और उसे कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। सबसे पहले मैंने गूगल सर्च पर टाइप किया कोड ब्लॉक और एंटर प्रेस किया, तो जो भी आपका सर्च रिजल्ट है उसमें आप देखेंगे कोड ब्लॉक का वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट codeblocks.org। यहाँ डाउनलोड्स और डाउनलोड बाइनरी नाम का ऑप्शन है, मैंने डाउनलोड बाइनरी पर क्लिक किया। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे टॉप पर विंडोज़ के डिफरेंट वर्जन्स, देन उसके बाद लिनक्स और उसके बाद मैक ओएस, तो इन सभी के लिए हमारे पास कोड ब्लॉक अवेलेबल है। आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे इनको इनके डाउनलोड लिंक्स अवेलेबल है, जैसे विंडोज़ के डाउनलोड लिंक्स, देन उसके बाद लिनक्स के लिए जो डाउनलोड लिंक्स है, देन उसके बाद मैक के लिए जो डाउनलोड लिंक्स है वो यहाँ पर शो कर रहे हैं। हमें विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है, ये जो फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं कोड ब्लॉक 1712 सेटअप exe, तो यहाँ फॉस हब और sourceforge.net ये दो लिंक्स हैं, इनमें से किसी भी एक लिंक को आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने sourceforge.net को क्लिक किया और ये थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने में और फिर थोड़ी देर बाद डाउनलोड स्टार्ट होगा। तो एक बार डाउनलोड होने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आप देखो मैंने इसे पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। आपको इस exe पर डबल क्लिक करना है। कोड ब्लॉक का ये जो सेटअप है हम इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो जो मैंने सेटअप डाउनलोड किया है उसको मैंने एक जगह पर स्टोर किया और अब मैं इसे डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये इंस्टॉलेशन के स्टेप्स हैं, आई अग्री, नेक्स्ट, इंस्टॉल और ये सिंपली इंस्टॉल होगा। तो सिंपली हमने इसे इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है। ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और यहाँ डू यू वांट टू रन, अगर आप यस बोलेंगे तो अभी स्टार्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर नो बोलता हूँ और इस प्रोसेस को कंप्लीट कर देता हूँ। मैंने कहा नेक्स्ट एंड फिनिश। अब हम लोग कोड ब्लॉक को स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ मैं रन कमांड में कोड ब्लॉक टाइप करता हूँ। कोड देखो, आपने जस्ट कोड टाइप किया तो उसे सजेशन में यहाँ पर दिखाया बेस्ट मैच कोड ब्लॉक, मैं इसे क्लिक करूँगा कोड ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहो तो सीधे डेस्कटॉप पे भी जा सकते हो, यहाँ पर भी हमारे पास आइकन है कोड ब्लॉक का, आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो कोड ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। फाइनली कोड ब्लॉक स्टार्ट हो चुका है और यहाँ सेटिंग्स में हम जाएंगे और सेटिंग्स में हमें कंपाइलर सेटिंग हमें यहाँ परफॉर्म करना होगा। इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने फाइल सिस्टम में जाके GCC कहाँ इंस्टॉल्ड है ये चेक करेंगे। इस समय मेरे सिस्टम में C ड्राइव के अंदर यहाँ यूज़र्स नाम का फोल्डर है। इस यूज़र्स फोल्डर के अंदर मेरा यूज़र अकाउंट है, फोल्डर है, ये मैंने ओपन किया और इसके अंदर हमने GCC इंस्टॉल किया है। आप देख सकते हैं मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, तो ये है GCC इंस्टॉल यहाँ पर हो गया है। मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर एक बिन नाम का फोल्डर है। बिन नाम के फोल्डर में आप देखेंगे यहाँ पर GCC नाम का exe है, G++ नाम का exe है, ar.exe, देन उसके अलावा make.exe, देन उसके अलावा windrush नाम का exe है। तो इन सभी का पाथ हमें कोड ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन में करना होगा। तो हम वापस कोड ब्लॉक को ओपन कर लेते हैं। ये रहा हमारा कोड ब्लॉक। यहाँ सबसे पहला स्टेप जो है, जो कि एक बार पहली बार हमें करना पड़ेगा कोड ब्लॉक यूज़ करना स्टार्ट करने से पहले, सेटिंग्स में आपको जाना है, कंपाइलर सेटिंग्स में। ये वन टाइम सेटिंग है, याद रखेंगे। इसमें टूल चेन एग्जीक्यूटिबल नाम का टैब है, आप मेरा माउस देख सकते हैं, टूल चेन एग्जीक्यूटिबल नाम का टैब है। मैं इसे क्लिक करता हूँ तो वो टैब ओपन हो गया है, क्योंकि मैं इस सिस्टम में पहले भी कोड ब्लॉक इंस्टॉल कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पर प्रॉपर पाथ शो कर रहा है। तो अगर आपके इसमें ये पाथ करेक्ट नहीं है, जैसे कि मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाया कि मेरा जो यूज़र अकाउंट फोल्डर है उसके अंदर GCC इंस्टॉल्ड है, तो आप यहाँ पर ब्राउज भी कर सकते हो। यहाँ देखेंगे मेरा माउस इस फील्ड के जस्ट बाजू में 3 डॉट्स वाला बटन है, इसे क्लिक करेंगे, ब्राउज करेंगे, यहाँ पर ये पाथ भी सिलेक्टेड है। मैं आपको समझाता हूँ, आपने कहा दिस PC, इसके अंदर सी ड्राइव, इसके अंदर हमने देखा यूज़र्स, यूज़र्स के अंदर जो यूज़र अकाउंट फोल्डर है वो सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कोई सब फोल्डर GCC है क्या, बस इस GCC का पाथ हमें सेट करना है। तो मैंने GCC को क्लिक किया और ओके क्लिक किया, तो GCC का पाथ यहाँ पर शो हो रहा है।
ठीक है। और उसके बाद आप देखो यहाँ नीचे कुछ फील्ड्स हैं और वहाँ कुछ एंट्रीज हमें करनी है। जनरली होता ये है कि यहाँ पर मिंग डब्ल्यू के पाथ होते हैं, ठीक है, इसलिए आप हर एक फील्ड के सामने यहाँ ये जो बटन है, ब्राउज बटन है, इसे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले चेक करो यहाँ GCC.exe का पाथ हमें स्पेसिफाई करना है, तो आपने ब्राउज बटन पर क्लिक किया और GCC bin के अंदर का पाथ ये अपने आप शो कर रहा है। हमें भी यहाँ पर GCC.exe को सिलेक्ट करना है कुछ इस तरह से और ओके पर क्लिक करना है ओपन। तो यहाँ पर GCC का पाथ आ गया। जहाँ G++ लिखा है वहाँ G++ का पाथ सेट करना है। आपके सामने पाथ लिखा होगा MingWGCC, MingWG++, MingWAR, ये कुछ डिफ़ॉल्ट पाथ होते हैं कोड ब्लॉक में, तो उसकी जगह पर आप अप्रोप्रिएट exe का पाथ सेट करोगे। मैंने इंस्टॉल होने के बाद हमारा GCC कहाँ इंस्टॉल्ड है उसकी बिन डायरेक्टरी के जो exes के नाम आपको बताए थे, ar.exe, windows.exe, make.exe, इन सभी का पाथ हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है। तो ब्राउज में जाना है, आपको वो जो फोल्डर है हमारा अकाउंट फोल्डर के अंदर GCC इंस्टॉल्ड है, GCC के अंदर बिन इंस्टॉल्ड है, बिन फोल्डर है और बिन के अंदर हमें ये exe को सर्च करना है। जैसे कि अभी इस समय windows.exe की हम बात कर रहे हैं और जैसे ही आपने बोला तो यहाँ पर वो सेट हो गया। तो make.exe, windows.exe, यहाँ पर आपको पहले रीड करना है कि यहाँ ऑलरेडी क्या पाथ दिया है। तो इसमें MingW का पाथ दिया होगा, MingW/windows.exe समथिंग इस तरह से कुछ होगा। तो आप यहाँ पर ब्राउज में जाके एग्जैक्टली सीधे फाइल का नाम लिखेंगे। तो आप मेरे इस वीडियो में जो पाथ दिखाई दे रहा है ठीक आपके कोड ब्लॉक में भी ऐसा ही पाथ दिखाई देगा, तब आप इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर सी प्रोग्राम लिखेंगे। तो अब हम सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे वर्कस्पेस है, लेफ्ट हैंड साइड पर जो पैनल है वहाँ वर्कस्पेस है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो और यहाँ पर अभी तो मुझे पहले सबसे पहले फाइल क्रिएट करना है, राइट। तो हमने यहाँ पर फाइल मेनू में जाना है, ऊपर देखेंगे फाइल मेनू और यहाँ न्यू और यहाँ पर प्रोजेक्ट, आप नया प्रोजेक्ट पहले क्रिएट करोगे। दूसरा, आप यहाँ स्टैंडर्ड मेनू में भी जाओगे तो नया फाइल क्रिएट करने के लिए ऑप्शन है, पर इस मोमेंट पर अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वो ऑप्शन दे रहा है कि आपको क्या करना है। हमने कहा प्रोजेक्ट, तो आप चाहो तो फाइल मेनू में भी जा सकते हो न्यू और, लेकिन आपको सेलेक्ट करना है प्रोजेक्ट। तो हमने सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाना है। यहाँ पर प्रोजेक्ट पर क्लिक करने पर जो विंडो ओपन हुआ है उसमें कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है, देन गो पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये बता रहा है कि वेलकम टू द न्यू कंसोल एप्लीकेशन विजार्ड, दिस विजार्ड विल गाइड यू टू क्रिएट न्यू कंसोल एप्लीकेशन, व्हेन यू आर रेडी टू प्रोसीड प्लीज क्लिक नेक्स्ट। हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया। प्लीज़ सेलेक्ट द लैंग्वेज यू वॉन्ट टू यूज, प्लीज़ मेक अ सेलेक्शन। हमने कहा हम सी लैंग्वेज में कोड लिखना चाहते हैं। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइटल, तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट टाइटल देना पड़ेगा। सपोज हमने कहा माई प्रोज, तो आप जो भी नाम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। यहाँ पर फोल्डर सेलेक्ट करना होता है, फोल्डर टू क्रिएट प्रोजेक्ट इन। मैंने यहाँ पर पहले से एक फोल्डर बना के रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। सी ड्राइव में अनूप इस नाम से हमने फोल्डर बनाए हैं, तो यहाँ पर मैं माय प्रोज नाम का प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ जो ऑलरेडी कोड है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इस तरह से ये जो फोल्डर है सी ड्राइव में, इसके अंदर हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैंने ब्राउज किया और हमने बताया कि भाई सी ड्राइव को ओपन करो। सी ड्राइव के अंदर अनूप नाम का फोल्डर है, ये हमारा प्रोजेक्ट का रूट फोल्डर है। ओके किया और इसका पाथ सेट कर दिया। तो ये जो फर्स्ट टू एंट्रीज है ये आपने किया, बाकी अपने आप हो जाएगा। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आपने जैसे ही क्लिक किया उसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक करना है, कोई और सेटिंग्स नहीं है। आप देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड पैनल है जहां वर्कस्पेस लिखा था, अब उसके अंदर एक माइप्रोज नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया हमारे वर्कस्पेस में। इनफैक्ट वहां पर सोर्सेस नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर एक main.c नाम का फाइल है, main.c। मैं इसे ओपन करता हूं, तो एक रेडीमेड कोड के साथ आपके पास ये .c फाइल है जिसमें #include_stdio.h, #include_stdlib.h ये किया हुआ है। एक मेन फंक्शन भी है जिसका रिटर्न टाइप int है। नाउ इसके अंदर स्टेटमेंट है हेलो वर्ल्ड और नेक्स्ट स्टेटमेंट है रिटर्न जीरो। तो एक नॉर्मल और रेडी कोड है, मैं इसको सीधे रन कर सकता हूँ। हमें एक्सपेक्टेड है हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। मैं इसके पहले कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पर लिख देता हूँ। हेलो वर्ल्ड के पहले मैंने ## लिखा और नाउ उसके बाद टिल्ड, कुछ भी मैंने रैंडम कैरेक्टर्स लिख दिया। आप कुछ और भी लिख सकते हो,
और मैं इसे रन करना चाहता हूँ। आप देखेंगे जो स्टैंडर्ड मेनू है, स्टैंडर्ड मेनू में एक इस समय आपने मेरा माउस को चेक करना है, मेरा माउस इस समय जहाँ पर है स्टैंडर्ड मेनू में, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है बिल्ड एंड रन। मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हो कंसोल ओपन हो गया है, # टिल्ड एंड हेलो वर्ल्ड ये लिखा हुआ है। तो हमने देखा कि बहुत सिंपली हम लोगों ने ये जो कोड है इसको रन भी किया। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कोड ब्लॉक को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगर करना और इसमें कोई प्रोजेक्ट बनाना, इसमें कोई .c फाइल क्रिएट करके कोड लिखना ये सिखाया। तो आप लोग अल्टरनेटिवली यहाँ पर भी कोड लिख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को और भी नए कंसेप्ट के बारे में बताऊँगा।